जो एंट्रल गैस्ट्राइटिस हो गई है ना, उसको पूरे तरीके से ट्रीट अगर करना है तो आपको पूरा फॉलोअप करना पड़ेगा, शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी, अच्छा भोजन पहुंचाना पड़ेगा शरीर में। और जो हमने आमाशय में भोजन पहुंचा दिया है, आमाशय से पूरे शरीर में घूमे वो भोजन, इसके लिए व्यायाम करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे इलाज जो आंतों की सूजन को दूर करें, प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ बढ़िया इलाज होते हैं, उनको फॉलो करना है। कैसे कैसे करेंगे इसको पूरा अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है? पूरा एक एक करके सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है? सवेरे जल्दी जागें, ठीक है? जैसे ही जागेंगे, जागते ही कम से कम 3 से 4 ग्लास सादा पानी पिएंगे। अब जनरली क्या होता है, लोग गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी आप नहीं पी सकते, शरीर में पहले से ही बहुत गर्मी है। अब अगर गर्म पानी पियेंगे तो शरीर और गर्म हो जाएगा। कोशिश करना है सादा पानी पिया जाए। अच्छा, तावे का पानी भी नहीं पियेंगे, इसको विशेष ध्यान रखना है। लोग जनरली तावे का पानी पी लेते हैं, तावे का पानी भी एसिडिटी कराने का काम करेगा। ये पानी जो 2-3 ग्लास 3-4 ग्लास पियेंगे, कोशिश करो 4 ग्लास तक पहुंच जाओ। और 4 ग्लास पानी पीने के बाद फिर ज्यादा से ज्यादा इसको जल्दी में पिया जाएगा, इस पानी को, ये विशेष ध्यान रखना है। अब कोशिश करो कि पानी पीने के बाद 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुके, उसके बाद फिर मोशन जाना है। मोशन गए, फिर हाथ मुंह धो के मंजन कर लिया। उसके बाद एक प्रोसेस होता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मतलब 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भरा और जोर से उसको मुंह में चलाया। 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भर लिया, ठीक है? उसको कैसे चलाना है, कोशिश करो 10 मिनट तक चलाओ। अब जब 10 मिनट चला लो, उसके बाद उस तेल को थूक देना है। तेल थूक दिया, तेल को थूकने के बाद सादा पानी मुंह में भर के कुल्ले और गरारे करने हैं, ठीक है? अब ये कुल्ले और गरारे कर लिए, इसके बाद में नाक में गाय का घी, ठीक है? नाक में गाय का घी, तो देसी गाय शुद्ध घी, एक एक दो दो ड्रॉप दोनों नासिकाओं में डाल लिया। अगर घी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो फिर बादाम रोगन तेल, बादाम रोगन तेल एक एक दो दो ड्रॉप दोनों नासिकाओं में डाल लिया, ठीक है? नाक भी हल्की सी ऐसे करके तिरछी भी है, नाक से भी पूरी सांस अच्छे तरीके से नहीं जा पा रही। सांस भरो जरा एक बार, पूरी छोड़ो, फिर पूरी भरो, खींच के भरो एक बार, पूरी नहीं जा पा रही, एक बार और भरो, खींच के भरो जोर से, अब मेरे साथ भरो, हाँ तो जा ही नहीं रहे, बीच में ही, बीच में रुक जा रहे हैं, तो फेफड़े भी कमजोर हो जाएंगे ऐसे तो। अगर फेफड़े कमजोर हो गए तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। देखो ना, पेट है ना बिल्कुल अच्छे पा रहा, भूख बिल्कुल नहीं लगी, हाँ तो भूख लगेगी कहाँ से, पेट में गर्मी भरी पड़ी है दुनिया भर की। ऐसे पा रहा बिल्कुल। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? लेकिन शरीर को अंदर से साफ करो पहले। जब तक सफाई नहीं होगी ना, हम तो जब पूजा करते हैं तब भी धोते हैं ना जगह को, हाँ, साफ सफाई जरूरी साफ है। सफाई तो बहुत जरूरी है। तो पहले सफाई करो, उसके बाद फिर अच्छी चीजें वहां रखो, फिर जो रखा है उनको पूरे शरीर में टहलाओ, घुमाओ, ताकि वो पूरे शरीर में पहुंचे। हमने पेट में भर दी विटामिन ए, आंखों तक जाएगी तब तो आंखों के लिए उपयोगी है। विटामिन ई हमने पेट में भर दी दुनिया भर की, स्किन तक आ ही नहीं रही तो स्किन को कैसे फायदा करेगी? तो सर्कुलेट कराना पड़ेगा, सर्कुलेट कराना है। नशे कर लिया, नशे करने के बाद आप लोगे 1 चम्मच आंवला और 1 चम्मच मिश्री का पाउडर 1 ग्लास पानी में। 1 ग्लास पानी लिया, 1 चम्मच आंवला 1 चम्मच मिश्री उसमें मिला करके 1 ग्लास पानी में घोल के शरबत बना के पी लिया। उसके बाद फिर व्यायाम करेंगे। व्यायाम में क्या करना है, खुली हवा में टहलना मुंह में पानी भर के। अब सामान्य तौर पर मुंह में पानी भर के क्यों टहलना है ऐसा अपन सोच सकते हैं, क्योंकि हम टहल करके सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। जो भी टहल रहे हैं वो सारे, जनरली क्या हो रहा है कि 5 लोग मिलकर टहलेंगे और पांचों लोग आपस में इतनी ज्ञान की बातें करेंगे टहलते समय कि
कि वो सब एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे में पहुंचेगा। वो अच्छी बात है, ज्ञान का आदान प्रदान हो जाए, लेकिन कोशिश ये करना है कि वो तब जब आप कहीं बैठ करके चर्चा कर रहे हैं उस समय, टहलते समय सिर्फ टहला जाए। टहलते समय अगर हमने इधर उधर की बातें करी या मुंह से बोले या मुंह से सांस भरी या छोड़ी, तो फिर टहलने का इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए मुंह में पानी भर के टहलना है, ठीक है। अब मुंह में पानी भर के टहलना है तो 50 मिनट मुंह में पानी भर के कैसे रह सकते हैं? तो हर 10 मिनट में पानी बेशक थूक दो या निगल लो और दूसरा घूंट भर लो, लेकिन पूरे 50 मिनट टहलने में मुंह में पानी रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? इतना पैरों में दर्द आ जाता है, कोई बात नहीं, अपन 20 मिनट से टहलना चालू कर दें। हाँ, तो वो टहलना जो है ना, टहलने में क्या होता है कि ऊर्जा खर्च तो होगी, लेकिन कुछ दिन तक आप टहलने का जब अभ्यास करेंगे तो उस टहलने की वजह से पूरे दिन के लिए शरीर में ऊर्जा आना चालू हो जाएगी। तो पहले 2-5 दिन तो थकान लगेगी, और उसमें भी अगर आप पहले दिन 50 मिनट नहीं टहल पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले दिन 20 मिनट टहलो। 20 मिनट टहलने के बाद फिर थोड़े आसन थोड़े प्राणायाम कर लो, उसके बाद फिर दूसरे दिन 25 मिनट टहलो, तीसरे दिन 30 मिनट टहलो, धीरे धीरे करके टहलने का टाइम बढ़ाओ। क्योंकि टहलने में कोई टेक्निक नहीं लगानी है, टहलने में केवल मुंह में पानी भर के टहलना है, बस, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है। यह सबसे बड़ी अच्छी टेक्निक है, पानी भर के टहलो। फिर राजा रानी आसन, एक आसन होता है मर्कट आसन के नाम से जाना जाता है। सीधे लेटे, दोनों घुटने मोड़ लिए, तलवे जमीन पर रख लिए, दोनों हाथ ऐसे फैला लिए, घुटने इधर गर्दन इधर, फिर घुटने इधर गर्दन। इसको 10-1 मिनट के आसपास करेंगे। ये पेट के लिए, रीढ़ के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन है, ठीक है। आंतों की चाल बढ़ाने का काम करेगा, आंतों में जो शिथिलता है उसको दूर करने का काम करेगा। इसको करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट के आसपास, डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास भरना, भरी गई श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। इसको 50 बार से शुरू करेंगे और 100 बार तक पहुंचेंगे। इस समस्या में थोड़ा तनाव रहता है, गर्मी रहती है, गुस्सा रहता है, याददाश्त कमजोर पड़ रही होती है, तो फिर भ्रामरी प्राणायाम इसके लिए बहुत इफेक्टिव है, तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जब पूरा हो जाए तो 5 मिनट का शवासन करेंगे, सीधे लेट करके आराम करना, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा आपका सवेरे से लेके शाम तक का जो रूटीन अपने को करना है फॉलो, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल मॉर्निंग रूटीन। सवेरे सवेरे आपको इसको करके फ्री हो जाना है, ताकि सवेरे से शाम तक अच्छे तरीके से सारी चीजें चालू हो जाएं। जब ये सवेरे सवेरे कहते हैं ना, सवेरे सवेरे तैयारी कर ली, हम कोई काम के लिए जाते हैं तो पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं ना, तैयारी के साथ कोई काम करेंगे तो अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो वो ये सवेरे का मॉर्निंग रूटीन है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हाँ, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से इसको समझ लिया। अब हम डाइट देखेंगे कि सवेरे से लेकर शाम तक की आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, वो जो एंट्रल गैस्ट्राइटिस में सबसे इफेक्टिव रहेगी, आपका पेट फूले भी नहीं, पेट में गैस भी नहीं बने, कमजोरी भी नहीं आए, उसके लिए डाइट क्या रह सकती है, ठीक है।